आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शादीशुदा औरत गैर मर्द के साथ ताल्लुकात क्यों बनाती है और क्यों उसके पास जाती है। कोई भी शादीशुदा औरत शादी के बाद क्यों अफेयर रखती है और चक्कर चलाती है। शादीशुदा जिंदगी में प्यार और तवज्जो और भरोसे का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर टिकी हुई है। और अगर शौहर की जानिब से बीवी को प्यार और तवज्जो और भरोसा नहीं मिलता तो ऐसे में औरत गैर मर्द के साथ ताल्लुक बना लेती है। आज की वीडियो में भी हम इसी हवाले से बात करेंगे, आखिर किन वजूहात की वजह से शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाती है और प्यार भरा ताल्लुक कायम कर लेती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो खास एजुकेशनल पर्पस पर बनाई गई है, ब्राय मेहरबानी इसका कोई गलत मतलब ना लिया जाए। नंबर वन, एक रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि जिन खवातीन को शौहर की जानिब से तवज्जो और प्यार और नहीं मिलता और जिन औरतों को शौहर की तरफ से फिजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती और उनके जज्बात अधूरे रह जाते हैं, इसी वजह से वो औरतें गैर मर्दों में इंटरेस्ट लेने लगती हैं और सेट हो जाती हैं। अगर शौहर अपनी बीवी को जिस्मानी तस्कीन नहीं दे पा रहा या फिर उसे तवज्जो नहीं दे पा रहा, उसके साथ टाइम नहीं गुजार रहा या फिर उसकी बातों को इग्नोर कर रहा है या फिर वो सुस्त मिजाज है और सोने को ज्यादा पसंद करता है, तो ऐसे में औरत जो है ना बेजार हो जाती है ऐसे मर्द से, और ऐसे में ज्यादा चांसेस हो जाते हैं औरत के दूसरे मर्द की तरफ अट्रैक्ट होने के, जो उसे तवज्जो दे, प्यार दे और उसकी जिंसी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। अब ये बात कुछ मर्दों को नागवार गुजरेगी, लेकिन आपको सोचें, जो खवातीन बाहर ताल्लुक बनाती हैं अपने मर्द को छोड़कर, कुछ तो वजूहात होगी जिनमें से सबसे बड़ी और अहम वजह यही है। नंबर टू, शादी के बाद औरत के अफेयर के पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से उसका अफेयर शुरू हो जाता है। जो शौहर अपनी बीवी के साथ जज्बाती और जिस्मानी ताल्लुक से नहीं जुड़े हुए होते तो ऐसे में औरत प्राय मर्द से जल्दी पड़ जाती है और इधर उधर मुंह मारने लगती है। अगर शौहर अपनी बीवी की फिजिकली और इमोशनली रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है, उसे तवज्जो देता है, उसे टाइम देता है, तो ऐसे में औरत कभी भी किसी और मर्द की जानिब नहीं जाएगी। फ्रेंड्स, आपको इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर आपके रिश्ते में ऐसी चीजें हो रही हैं तो उसे सही से सुधारो और हमारी बताई गई टिप्स को फॉलो करो। अगर हमारी बताई गई टिप्स को आप समझ जाते हो ना, तो आप बहुत ही आसानी से अपने पार्टनर के दिल की बात भी जान लोगे और वो आपको छोड़कर किसी और से ताल्लुक भी नहीं बनाएगा। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।